और मेरे लिए तो भाई मैंने तो ये ठान लिया कि इस चैनल को वापस खड़ा करना है दोबारा। बट सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जितने सपोर्टर्स हैं, हमें सुनने वाले हैं, वो लोग हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि पर्पस क्या था हमारा। महंगी पट्टाई के साथ कोलैब सून ब्रो सून, तुम लोगों ने इतना ज्यादा वो कर रखा है, हो गए रहेगा फिर तो। मूफाड़ DHH की एक बहुत ही टैलेंटेड रैपर, पर कुछ सालों से मूफाड़ के जो यूट्यूब व्यूज है या फिर उनकी जो स्ट्रीम्स है वो उनके टैलेंट को जस्टिस नहीं कर पा रही है। एक टाइम था जब मूफाड़ DHH के हाइप्ड आर्टिस्ट में काउंट किए जाते थे, उनके लगभग सारे ट्रैक मिलियन व्यूज आराम से क्रॉस कर जाते थे। पर ऐसा क्या हुआ जिससे हमें मूफाड़ की ग्रोथ बहुत कम देखने को मिल रही है, या फिर मूफाड़ की जो ग्रोथ की ग्राफ है वो नीचे जा रही है? कैसे मूफाड़ ने अपने करियर में मल्टीपल म्यूजिक लेबल्स स्विच किए हैं? क्या मूफाड़ का खुद का रिकॉर्ड लेबल एलान रिकॉर्ड्स इस डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या मूफाड़ और कृष्णा की जो बीफ हुई थी उस बीफ की वजह से मूफाड़ की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है? और क्यों रिसेंटली हमें मूफाड़ की कोई भी DHH के बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिली है? किस्मत का क्या ही कसूर और आने पे मौत का क्या ही उतार चुट, मेरे जाने पे रोना जरूर पर होने वो चाहिए खुशी के आंसू। ओके, सो इस वीडियो में हम कुछ मूफाड़ की क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों मूफाड़ की करियर की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई, या फिर मूफाड़ का हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ओके, सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो मुझे ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। कुठलो यो पोरगो असा कोकणी तुला काय सांगू भावा, किती केली लपडी फोडली थोबडी, विचार आला कोपडीत बदलली, मदीच्या सर्वी पकडली मी कलम न उचलली मग हिपॉपची पगडी, होतो मी बारावी तू काय तो चिलमा बांधून टेक मा आलो धारावीत न पहिले। गाने का नाम है कोंकणी धन्य और आर्टिस्ट है पॉप 100 और ये ट्रैक हमें द पार्किंग लॉट सीजन 1 की एपिसोड 5 में देखने को मिला है। अगेन अर्बन मंकी ने एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को मौका दिया है। ये जो आर्टिस्ट है ये मराठी रैपर है और ये पूरा ट्रैक जो है वो मराठी में है, पर अगर तुम सबटाइटल्स ऑन कर दोगे तुम्हें मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रैक है, एग्रेशन बहुत अच्छा है, लिरिक्स भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल मुझे ये ट्रैक बहुत सही लगा। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, लाइक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हमें द पार्किंग लॉट सीजन 1 में देखने को मिल रहे हैं एंड दिस आर्टिस्ट इज वन ऑफ देम। सो भाई बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ और भाई को सपोर्ट करो। तो मूफाड़ की जो पहली म्यूजिक लेबल थी जिससे हमें स्टार्टिंग में मूफाड़ के मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले थे, सरप्राइजिंगली उस म्यूजिक लेबल का नाम था आर्टिस्तान। और मूफाड़ की जो क्लासिक हिट ट्रैक है सच टू मच, वो भी हमें आर्टिस्तान के चैनल से देखने को मिली थी, बट कुछ रीजन की वजह से मूफाड़ ने आर्टिस्तान छोड़ दिया और उसके बाद में मूफाड़ के कुछ ट्रैक देसी म्यूजिक फैक्ट्री से भी देखने को मिले। इसमें से मोस्टली मूफाड़ के सोलो ट्रैक्स थे जिसमें हमें अच्छे खासे व्यूज देखने को मिले थे और कुछ हमें मूफाड़ के फीचर भी देखने को मिले थे देसी म्यूजिक फैक्ट्री से। उसमें से एक पॉपुलर फीचर था मूफाड़ का बिलाल सईद के साथ और इसके बाद मूफाड़ ने जिकी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जिकी मीडिया लेवल के थ्रू हमें मूफाड़ के मल्टीपल ट्रैक्स खुद मूफाड़ के ही चैनल में देखने को मिले। और इसी बीच मूफाड़ ने अपना खुद का म्यूजिक लेवल भी लॉन्च किया जिसका नाम है एलान रिकॉर्ड्स और उस चैनल पे भी हमें मूफाड़ के मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले। ओके, सो थ्योरी ये है कि मूफाड़ ने अपने करियर के स्टार्टिंग से अभी तक बहुत सारी म्यूजिक लेबल्स स्विच कर लिए हैं जिसकी वजह से उन्हें एक पार्टिकुलर प्लेस पे या फिर पार्टिकुलर लेबल पे ग्रो करने का प्रॉपर मौका नहीं मिला। सो मूफाड़ की जो यूट्यूब चैनल है वो 2014 से एग्जिस्ट करती है और वो बहुत पहले से अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैक्स अपलोड करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए हम एमिवे का एग्जांपल ले लेते हैं। एमिवे ने भी अपना यूट्यूब चैनल इसी के आसपास बनाया था। एमिवे का यूट्यूब चैनल हमें 2013 में देखने को मिला था। एमिवे ने 2013 से लेके 2022 तक अपने सारे गाने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले, उनका बीच में बीफ भी हुआ, उन्होंने कमर्शियल ट्रैक भी डाला, एक्सपेरिमेंट भी किया और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया। पर अगर हम मूफाड़ का केस देखें तो मूफाड़ के जो बड़े बड़े ट्रैक्स है जिस ट्रैक्स में उन्हें अच्छे खासे व्यूज आए हैं वो मूफाड़ ने लेबल को दे रखे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेबल को अपने गाने देना गलत है, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने गाने लेबल के थ्रू रिलीज करते हैं, बट अगर मूफाड़ स्टार्टिंग से ही अपने यूट्यूब चैनल पे स्टिक करते जो मूफाड़ अभी फिलहाल कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ हमें डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिलती। इंडिया में म्यूजिक लेबल का स्टार्टअप करना या फिर स्क्रैच से एक म्यूजिक लेबल रन करना
बहुत ही डिफिकल्ट काम है. और अगर वो म्यूजिक लेबल हिप हॉप म्यूजिक लेबल हो तो ये जो काम है ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लोका ने कुछ महीने पहले अपना रिकॉर्ड लेबल लॉन्च किया था जिसका नाम था शॉर्ट देखे गायब. और लोका का जो करेंट यूट्यूब चैनल है, लोका ने उसका भी नाम चेंज कर दिया था अपने रिकॉर्ड लेबल के नाम से, पर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ और फिर उन्होंने अपना रिकॉर्ड लेबल शट डाउन कर दिया. और ये तो फिर भी एक छोटी रिकॉर्ड लेबल थी. अगर हम बात करें बड़े रिकॉर्ड लेबल की, फॉर एग्जाम्पल मास अपील इंडिया, जो एक टाइम पे बहुत ही प्रॉमिसिंग रिकॉर्ड लेबल लग रही थी, जिससे बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक DHH के अच्छे आर्टिस्ट के ट्रैक्स आ रहे थे, एल्बम्स आ रहे थे, आज वो रिकॉर्ड लेबल है वो इंडिया में शट डाउन हो चुकी है. और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है या फिर हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल है जो स्टार्ट तो होते हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते. कलमकार, गली गैंग, बंटाई रिकॉर्ड्स, ये कुछ ऐसे इंडियन हिप हॉप लेबल है जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन रिकॉर्ड लेबल्स के पास अच्छे खासे आर्टिस्ट साइंड है और इन तीनों रिकॉर्ड लेबल को रिस्पेक्टिवली कुछ ऐसे रैपर्स बैक कर रहे हैं जो करेंटली इंडिया के टॉप रैपर्स या फिर मोस्ट हाइप्ड रैपर्स में आते हैं. बट अगर हम बात करें मूफाड़ के एलान रिकॉर्ड्स की, तो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. सो एलान रिकॉर्ड्स में हमें मूफाड़ के मल्टीपल ट्रैक्स अभी तक देखने को मिले. इसमें से कुछ बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं एंड अगेन उन ट्रैक्स में हमें उतने नंबर्स नहीं देखने को मिले जितना वो डिजर्व करते हैं. ये इसलिए हो सकता है क्योंकि एलान रिकॉर्ड जो है वो नई म्यूजिक लेबल है और इस रिकॉर्ड लेबल की जो फैन बेस है या फिर सब्सक्राइबर बेस है वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है. पर इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एलान रिकॉर्ड्स की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैक्स निकालने की, एलान रिकॉर्ड्स को इंगेज करने की, वो पूरी मूफाड़ के ऊपर आ गई है. सो द होल पॉइंट इज, मूफाड़ ने जो अपना रिकॉर्ड लेबल लॉन्च किया है उससे कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में इफेक्ट जरूर आई है. एंड अगेन नेक्स्ट थ्योरी में जाने से पहले बस मैं याद दिला देता हूँ कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ दीज आर जस्ट थ्योरीज, तो उस हिसाब से तुम लोग सोचना, ये फैक्ट नहीं है या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो बातें वो पूरी 100% सच है. मूफाड़ अपने करियर की पीक में थे जब मूफाड़ की बीफ चल रही थी रफ्तार, कृष्णा और कलमकार के साथ. और उस टाइम पे मूफाड़ ने जितने भी डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किए थे वो सारे डिस्ट्रैक्ट मिलियंस में व्यूज लेके आए थे. पूरे DHH में मूफाड़ के बारे में बात किया जा रहा था एंड ऑन दैट टाइम ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड आर्टिस्ट इन DHH. पर जैसे ही ये बीफ खत्म हुआ और मूफाड़ के साइड से हमें डिस्ट्रैक्ट दिखने बंद हो गए, हमें मूफाड़ की ग्रोथ में एक सडन डाउनफॉल देखने को मिला. सो सिंपल सी बात है, कोई भी आर्टिस्ट है वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालना चाहता है और मूफाड़ को भी यहां से मूव ऑन करना था. मूफाड़ ने मल्टीपल जॉनरा के ट्रैक ट्राई किए पर डिस्ट्रैक्ट के अलावा मूफाड़ के जो भी ट्रैक ड्रॉप होते थे उसमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता था जैसा मूफाड़ को डिस्ट्रैक्ट में देखने को मिलता था. या फिर कुछ ऐसे ट्रैक्स जिसमें मूफाड़ ने सबलिमिनल्स लिया हो या फिर रफ्तार या फिर कृष्णा के ऊपर शॉर्ट्स लिए हो उसमें देखने को मिलता था. तो द पॉइंट हियर इज, एक टाइम पे मूफाड़ को जो मिलियन में लोग सुन रहे थे वो मूफाड़ के टैलेंट की वजह से मूफाड़ को नहीं सुन रहे थे. वो इसलिए मूफाड़ के गाने सुन रहे थे क्योंकि उनको बीफ में इंटरेस्ट है और हम सबकी आदत है जहां पे भसड़ होती है वहां पे भीड़ लगती ही लगती है. सो जो भी मूफाड़ के रियल फैन थे और जो मूफाड़ को जेन्युइनली सुनना चाहते थे, जो मूफाड़ की म्यूजिक को पसंद करते थे, उनके डिस्ट्रैक्ट के लिए मूफाड़ को नहीं सुनते थे, वो मूफाड़ के साथ रह गए और बाकी लोग जो सिर्फ मजे लेने आए थे वो मूफाड़ को छोड़ के चले गए. एंड दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से बीफ के बाद हमें मूफाड़ की यूट्यूब व्यूज में एक सडन डाउनफॉल देखने को मिला था. मूफाड़ एक ऐसे रैपर है जो बहुत ही लिमिटेड कोलैबोरेशन करते हैं और मोस्टली तुम्हें मूफाड़ के सोलो ट्रैक्स ही देखने को मिलेंगे. और अगर हम मूफाड़ के रीसेंट कोलैबोरेशन की बात करें तो रिसेंटली हमें उनका कोलैबोरेशन लोका के साथ देखने को मिला था और उसके बाद हमें कोई भी बड़े आर्टिस्ट के साथ मूफाड़ का कोलैबोरेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है. और बहुत टाइम से ये रूमर्स भी फैल रहे हैं कि हमें मूफाड़ और एमवे का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है. मूफाड़ ने भी इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम लाइव में बात किया है पर अभी तक हमें इस कोलैबोरेशन के बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज देखने को नहीं मिली है. And we don't know कि ये collaboration हमें कब तक देखने को मिलेगा. कहीं ना कहीं collaboration जो है वो बहुत ही important role play करते हैं किसी भी artist के hype को maintain रखने के लिए या फिर उसकी growth के लिए. For example, MC Stan और सीधे मौत का जो collaboration था उसकी वजह से सीधे मौत को बहुत ज्यादा boost मिला था and that was a successful collaboration. And similarly recently ऐसे बहुत सारे collaboration हमें देखने को मिले हैं जिससे artist को कहीं ना कहीं help जरूर हुई है. So I think Mufad here is missing some big collaboration.
ओके सो मूफाड़ इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. और जब कोई आर्टिस्ट चीजें डिजर्व करता है, लाइक फेम डिजर्व करता है, और उससे वो नहीं मिलती है तो बहुत बुरा लगता है. एंड सेम चीज अभी मूफाड़ के साथ हो रही है. एंड आई होप कि मूफाड़ जितना डिजर्व करते हैं वो आने वाले टाइम पे मूफाड़ को मिले. अभी तक मूफाड़ के साइड से हमें कोई भी एल्बम या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी देखने को नहीं मिला है. सो आई थिंक वो भी हमें फ्यूचर में देखने को मिले. और ये जो ग्राफ नीचे जा रही है ये बहुत जल्दी हमें ऊपर जाती हुई नजर आए. ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो. तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, और बाकी सारा जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है. तो हर जगह अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो. सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स अगेन. खुली वाला आंखों में बढ़िया था नींद में मौत पड़ी भीज के बाजू, सुकून की तो घड़ियां नसीब बड़ी है, अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं पार्टी.